हे गाइस वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे एक न्यू ब्लॉग की तरफ, जो कि आज कुछ दिखाने वाले नहीं है, बस एक बात किया जाएगा आपस में हम लोग एक कनेक्ट होने के लिए। भाई जो भी हमारी फैमिली है, जो यूट्यूब फैमिली है, उनसे कनेक्ट रहने के लिए थोड़ा बात विचार किया जाएगा। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो चलिए गुड न्यूज देने वाले हैं कि भाई आप लोग की सपोर्ट से मेरे YouTube चैनल पे 1500 सब्सक्राइबर प्लस हो गए हैं, जो सिर्फ 1600 प्लस हो गए हैं। और नेक्स्ट मंथ मान लीजिए हम यहाँ पे नहीं थे, बिलारी में थे, जो कि बहुत ही हिट वेट से गांव पे चले हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी था और एक बात और थे कि हमको वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता था, तो इसलिए हम चले हैं। और ड्यूटी है, ड्यूटी में क्या बोलेंगे यार, आप भी अगर गए होंगे तो आप समझ जाइए कि आप अगर आप भी बाहर रहते हैं तो इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि 8 साल ड्यूटी था। मान लीजिए हम 7:30 पे रूम से निकलते थे और 8 बजे से पहले पंचिंग करना था हम लोग को। पंचिंग कर जब हम लोग ड्यूटी करते थे तो एक तो जिंदल कंपनी थी, जिंदल कंपनी में मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर में, तो क्या होता था हम लोग गेट पर मोबाइल जमा कर देते थे। जमा करने के बाद अंदर जाते थे, अपना काम करते थे और बीच बीच में जब हमको बाहर आना होता है तो बीच बीच में आते थे और मोबाइल लेकर वीडियो बनाने की कोशिश करते थे लेकिन बना नहीं पाते थे। और उधर से जब 8 बजे पंचिंग होता था, पंचिंग आउट एकदम करेक्ट 8 बजे के बाद ही करना, जब पंचिंग आउट कर हम लोग आते थे अंदर में तो क्या होता है कि जल्दी जल्दी उधर से आओ, जल्दी जल्दी आओ, थोड़ा मार्केट कर लो, थोड़ा साग सब्जी लेना है वो भी ले लो। उसके बाद हम लोग 8:30 तक रूम पे पहुंचते थे। रूम पहुंचने के बाद कोई आटा सान रहा है, कोई चावल बना रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, ये इसी में टाइम निकल देता था, क्योंकि पहले हम लाइव आते थे तो लाइव आने में ये मसला था हम 9:30 पे आते थे तो उधर मान लीजिए उतना आदमी ज्वाइन नहीं था। और अभी का टाइम है, उस टाइम तो IPL चल रहा था, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मुश्किल नहीं है बस। और एक बात और है कि अब आपको अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा, क्योंकि अभी हम गांव पे आ गए और मान लीजिए बलिया UP के हम रहने वाले हैं। और एक बात और है क्योंकि बलिया में बहुत ही मशहूर जगह है, एक सुराहा ताल है, वन विहार है, चंद्रशेखर उद्यान है, बहुत ही ऐसे जगह, भृगु मंदिर है, भृगु टेम्पल है जो कि बहुत ही बढ़िया, बलेश्वर मंदिर है। और सबसे बड़ी बात और एक गुड न्यूज देने वाला है कि हम नेक्स्ट मंथ जाने वाले हैं राजस्थान, और राजस्थान के बारे में बताने वाले हैं कि राजस्थान में क्या है और राजस्थान कैसा है। बहुत आदमी बोलने वाला बोलता है कि राजस्थान में ऐसा है वैसा है, नहीं यार, राजस्थान में आदमी बोलता है ना गर्मी है, गर्मी में बहुत सही है, क्योंकि गर्मी के दिन हम गए वहाँ पे, जैसे हम लोग तरफ क्या होता है कि हम लोग तरफ घड़ा होता है, घड़ा जिसको हम मटका बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि हर जगह मटका रखा गया। और मटके में क्या होता है कि हम लोग जैसे हम लोग तरफ हर तरह हैंडपम्प है, जैसे जिसको हम नल बोलते हैं, कल बोलते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि हर जगह मटका रखा गया और उसके साथ से गिलास रखा गया, जिसको नत्थी कर जो भी राहगीर आता है जाता है वो आराम से पानी निकालता है, पीता है और चला जाता है। और एक बात और वहाँ पे देखें कि जो हम लोग तरफ कुत्ते घूम रहे हैं ना, वहाँ पे उन लोगों को कोई टच नहीं करता है, खाना खिलाता है जो गाय। और जानते हैं क्या है कि जो हम लोग यहाँ कुत्ते हैं ना, उनको भैरव जी का सवारी है, हम लोग यहाँ पे कोई भी मार देता है कुत्तों को, लेकिन मारना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे एक ऐसे तो काल भैरव जी का सवारी है कुत्ते। और जो भी है भाई, ये कुत्ते ऐसे हैं कि जिसके साथ रहते हैं वो वफादारी के साथ रहते हैं। और वहाँ पे एक बात और, जैसे हम लोग की तरफ क्या है कि अभी जून का महीना चल रहा है और जून में जो भी है बारिश होगा थोड़ा, तो चारों तरफ जैसे हम लोग दूब है, पेड़ पौधे हैं चारों तरफ, अच्छा अच्छा पूरा हरियाली नजर आएंगे। अब सावन का सावन में आएगा, उसके बाद भादो आएगा, तो उसके बाद हरियाली नजर आएंगी। और वहाँ पे क्या है कि चारों तरफ रंबल है, और रंबल में क्या होता है कि भाई उतना धूप उप जमता नहीं, लेकिन जमता है वो क्या होता है कि जैसे छोटा छोटा पौधा होता है, और पौधे में हम लोग को समझ में नहीं आता कि जैसे हम लोग तरफ मूज होता है ना, कपास के जो होता है, कपास जैसा कपास होता है, वैसा ही खेती होता है वहाँ पर, खेती नहीं होता है जैसे मूजी में रंबल में। और जो हम लोग तरफ क्या बोलते हैं, ये जो होता है बबुल का पेड़, बबुल बबुल मालूम है, बबुल का पेड़ होता है, वही छोटा छोटा पौधा होता है तो वो सबसे ज़्यादा है। और ये मान लीजिए तो ऊँट तो वहाँ का प्रसिद्ध है भाई, ऊँट तो रेगिस्तान के जहाज़ी बोला जाता है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।